गोपाल जी ठाकुर हो या कोई ठाकुर हो, उनको अपना लाभ चाहिए ना कि जनता का लाभ चाहिए। चुनाव में कहेंगे बीजेपी वाले नहीं बनने दिया, बीजेपी वाले कहेंगे महागठबंधन वाले नहीं बनने दिया एम, तो ये भी बड़ा मुद्दा हो सकता है। भगवान से अच्छा यहाँ भरा भरा यह हुआ जगह है और हॉस्पिटल एक नंबर एम्स निर्माण होगा। तो कहना है कि जमीन विवादित है, तो ये सोचिए जब जम्मू कश्मीर में 370 हट सकता है, अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है, तो अशोक पेपर मिल में जो विवादित जमीन है तो वो विवाद को खत्म क्यों नहीं कर सकता। अभी हम दरभंगा के अशोक पेपर मिल ग्राउंड पे स्थित है और जानेंगे कि एम्स के लेकर काफ़ी चर्चा गर्म हो चुका है, क्योंकि कभी DMCH में एम्स बनने की बात कर रही है, कभी सोवन में बात कर रही है, और कभी अशोक पेपर मिल के बंद पड़े जमीन पर भी सुखिया में चल रही है कि यहाँ भी एम्स बनाया जाए। लेकिन हम बात करेंगे कि तीनों से सबसे अच्छा जगह यहाँ अशोक पेपर मिल में एम्स बना दिया जाए तो काफ़ी जो है लोगों को फायदा होगा और सरकार को भी फायदा होगा, और जो एम्स निर्माण करवाएंगे उनको भी काफ़ी फायदा होगा। इसलिए फायदा होगा कि अभी हाल ही फिलहाल में सोभन की चर्चा हो रही है, क्योंकि सोभन एक फ्लड एरिया है, बाढ़ एरिया है, और वहाँ पे 30 से 40 फीट जो है ऊंचा जो है वहाँ मिट्टी भराई होगा, और बाढ़ में भी पूरी तरह नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस ग्राउंड पे हम है यहाँ पे अनेक तरह के फायदा होगा, अनेक तरह के लोगों को लाभ मिलेगा। हम बात करेंगे कि एम्स को निर्माण अशोक पेपर मिल में ही कर दिया जाए ताकि काफ़ी बेहद फायदा होगा। जो भी एम्प्लॉय थे वो आस लगा के कितना गुजर चुके हैं, स्वर्गवास हो चुके हैं। हम बात करेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे कि क्या यहाँ एम्स बना दिया जाए तो फायदा होगा। बताइए, यहाँ एम्स की चर्चा चल रही है, कभी DMCH में चर्चा हो रही है, कभी सोमन में चर्चा हो रही है, और ये जिस अशोक पेपर मिल ग्राउंड पे है तो क्या लग रहा है कि ये दोनों से बेटर यहाँ होगा? यहाँ तो हो जाए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ 450 एकड़ यहाँ भूमि पड़ा हुआ है बंजर, तो इस बंजर में 200 एकड़ ही काफ़ी पेपर मिल के लिए, और 200 एकड़ हमारे एम्स निर्माण के लिए दे दी जाए, भारत सरकार द्वारा हो, बिहार सरकार द्वारा हो, किसी शासन प्रशासन के द्वारा हो, और वो निर्माण कर दिया जाए तो शायद ऐसा एम्स जनता सहूलियत से आ सकते हैं। 12 बजे रात 1 बजे रात में इस जगह पे बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जगह विवादित है, कुछ लोग कह रहे हैं सरकारी जमीन है, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे एम्स नहीं बनेगा? जरूर बनेगा, यहाँ ना विवादित जमीन है ना प्राइवेट जमीन है, और ये संपत्ति सरकार की है, और सरकार यदि चाहे, सरकार का पहल हो, तो जब कश्मीर का 370 एक रोज में हट सकता है तो एक रोज में गोधा का भी ये एग्रीमेंट टूट सकता है। गोधा को उतना पैसा दे दिया जाएगा एग्रीमेंट तोड़ के, और इसमें एम्स का निर्माण की जा सकती है, क्योंकि अयोध्या मंडल का जो है विवाद कई वर्षों तक था। जी जी, लेकिन सरकार चाहत में ख़त्म करके वहाँ जो है अयोध्या में राम मंडल का निर्माण हो रहा है, तो क्या बिहार सरकार को मनसा नहीं है कि ये इस विवादित जमीन को विवाद खत्म कर दिया जाए और यहाँ जो है एम्स बना दिया जाए? जरूर खत्म होगा, पर वो सरकार उसमें नहीं के बराबर रहे हैं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, उसके आधार पर वहाँ की सरकार ने उस पर निर्माण कार्य स्टार्ट किए हैं। पर यहाँ की बात यदि कह रहे हैं तो यहाँ सरकार चाहेगी और ये भूमि या एम्स निर्माण के लिए इसमें भारत सरकार का पुरजोर रहेगा तो होना ही तय है। अब गोपाल जी ठाकुर जो दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर हैं, हाँ, वो कह रहे हैं DMCH में ही एम्स बना दिया जाएगा तो लोगों को काफी लाभ मिलेगा। लाभ वो अपना लाभ के लिए, गोपाल जी ठाकुर हो या कोई ठाकुर हो, ठीक ना,
उनको अपना लाभ चाहिए न कि जनता का लाभ चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है 500 एकड़ जमीन है, तो क्या उनको दिखाई नहीं देता है कि अशोक पेपर में 500 सरकारी जमीन है, यहाँ रोजगार की भी सुविधा नहीं है, फैक्ट्री बंद है, तो यहाँ पर अगर एम्स निर्माण हो जाएगा तो लोगों को फायदा होगा, तो फिर रोजी रोटी मर जाएगा ना गोपाल जी ठाकुर का। कैसे मर जाएगा? क्यों नहीं मरेगा? गोपाल जी ठाकुर कहाँ के एमपी है? दरभंगा के। तो उस दरभंगा शहर में उलझा के रखेंगे। 100 बार एम्स निर्माण के लिए कहा गया, वहाँ आज तक नहीं हुआ, तो गोपाल जी ठाकुर का औकात है जो अभी बनवा देंगे वहाँ। और भारत सरकार यदि पहल चाहे और यहाँ यदि बनेगा, तो मैं गोपाल जी ठाकुर से भी कहना चाहूँगा, जो वहाँ जमीन के लिए झंझट और वहाँ भराने के लिए मिट्टी कईक 1000 करोड़ रुपया लगेगा खर्च। और जहाँ बात हो रही है शोभन की, तो वहाँ मालूम हुआ है कि 30 से 40 फीट जो है ऊंचाई में जमीन मिट्टी भराएगा, तो वहाँ शोभन तोभन से अच्छा यहाँ भरा भराया हुआ जगह है, और यहाँ थोड़ा सा मिट्टी लगेगा और हॉस्पिटल 1 नंबर एम्स निर्माण होगा। क्योंकि कुछ दिन पहले भोला यादव भी, जो लालू के हनुमान है, वो भोला यादव भी आया यहाँ पर, लोगों को मिठाई बांटा कि यहाँ पर एम्स बना दिया जाएगा, लेकिन अब वही पलटी मार रहा है, कह रहा है अब शोभन में इसको बनाया जाएगा। भोला यादव हो या कोई एमपी जो हो या एमएलए हो, वो सारे के सारे अपना रोटी सेकने का कार्य करते हैं, न कि कोई निर्माण कार्य में बाधा। सबसे बड़ा बाधा वही एमपी और एमएलए ही होता है, न कि जनता, और जनता के ऊपर थोप दिया जाता है। कहीं वही नेतागण अपना समर्थक को लाएगा, उधर से एक पार्टी एक समर्थक को लाएगा, उधर से एक पार्टी एक समर्थक को लाएगा, और हुले ले ले कर देगा, हो गया हंगामा, उसमें पुलिस प्रशासन क्या करेगी, और जनता उसमें पीस करके मर रहा है। तो यहाँ जो एम्स निर्माण, देखिए अशोक पेपर मिल है, सभी लोग जानते हैं कि यहाँ जमीन की कमी नहीं है, और एम्स निर्माण के लिए 200 एकड़ जमीन की ज़रूरत है। तो राजनीतिक यहाँ अशोक पेपर मिल को अखाड़ा बना दिया है। कभी कहा था, इससे पहले आप सुने होंगे, एथेनॉल कंपनी का निर्माण होगा, कभी कहा कि यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण होगा, अब कह रहा था एम्स का निर्माण होगा, लेकिन अब बाजी जो है पलटी, नेता सब जो है पलटी मारते रहता है। इसलिए नेता लोग पलटी मारता है, जो उसको एक बार कहे ना, वो रोटी सेकने का कार्य करता है, उसका रोजी रोटी मर जाएगा। वो करोड़ों करोड़ रुपया वहाँ सरकार की सुविधा पा रही है एमपी लोग, और इधर में जो प्राइवेट कंपनी है या जो कंपनी ले या ठेकेदार ले, उससे 40% 10% उसको कमीशन के लिए, वो नेता अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, वो नेता अपने स्वार्थ के लिए, ये कंपनी करेगी तो हमको 10% मिलेगा, वो कंपनी करेगा तो उसको 10% मिलेगा। इसी कारण बस ये उलझा हुआ जगह है, सारे के सारे उलझा करके नेतागण रखे हुए हैं, विकास कार्य में कोई इंटरेस्ट नहीं। क्या 2024 जो है चुनाव आने वाली है, तो हो सकता है 24 में जो है मामला को गर्म करने के लिए, क्योंकि चुनाव में कहेंगे बीजेपी वाले नहीं बनने दिया, बीजेपी वाले कहेंगे महागठबंधन वाले नहीं बनने दिया एम्स, तो ये भी बड़ा मुद्दा हो सकता है। हाँ, बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ड्यू टू प्रधानमंत्री मोदी जी के कृपा, जो आज मेरा विश्व में नाम चल रहा है और विश्वव्यापी है, आज भी कोई देश खतरा में पड़ता है तो पहले प्रधानमंत्री इंडिया का झंडा पहले ऊंचा रहता है, और इंडिया के झंडा लेकर के दूसरे देश के भी व्यक्ति वो जिंदा वहां से लाया जाता है और उछल देता है, उसको अविरुद्ध नहीं किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है, पर उनके जो कुछ चट्टे पट्टे हैं, सो रोटी सेकने का कार्य कर रहा है। तो क्या आस लगाया जाए कि अशोक पेपर मिल में एम्स को निर्माण कर दिया जाए? जरूर जरूर, मोदी जी चाह लेंगे तो जरूर होगा। बिहार सरकार? बिहार सरकार चाहेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव है ना। हाँ, तेजस्वी यादव है, लेकिन तेजस्वी जी
अपने बलबूते पर है तब तो है, तो वो दूसरे के बलबूते कक्का पलटू राम कब पलट जाएगा, उसका कोई ठो ठीक है। तो भोला यादव जी कहे थे कि तेजस्वी यादव जी स्वीकृति दे दिए थे कि पेपर मिल में एम्स बन जाएगा। भोला यादव स्वीकृति दे देने से भोला यादव लालू जी के आदि दुलरुआ हो सकते हैं, लालू जी के दुलरुआ, पर भोला यादव का औकात नहीं है, तेजस्वी का वो औकात है, वो अपने बलबूते कर सकता है, अन्यथा नहीं होगा उससे। तो पेपर मिल में एम्स को निर्माण कर देना चाहिए। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तूफान सिंह। तूफान सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो देखे यहाँ तूफान जी हैं और अशोक पेपर मिल में एम्स निर्माण के लिए अच्छा प्रक्रिया दिया, क्योंकि एम्स निर्माण को लेकर काफ़ी हम लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपको तीनों जगह से आपको कौन सा बेटर जगह है, ज़रूर आप हमें बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर कर सकते हैं, ताकि यहाँ अगर एम्स निर्माण हो जाए तो लोगों को काफ़ी फायदा होगा। क्योंकि अगर कुछ लोगों का कहना है कि ज़मीन विवादित है, तो ये सोचिए जब जम्मू कश्मीर में 370 हट सकता है, अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है, तो अशोक पेपर मिल में जो विवादित ज़मीन है, तो वो विवाद को ख़त्म क्यों नहीं कर सकता है? हम ये सरकार से पूछना चाहेंगे, तमाम लोगों से पूछना चाहेंगे, और जो लोग राजनीतिक अखाड़ा इस अशोक पेपर मिल को बना चुका है, उनसे भी हम आपको पूछना चाहेंगे। आप हमारे फेसबुक पर हैं तो फेसबुक को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब बटन दबाइए, और फिर मिलते हैं नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।